आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। 10th के JK बोर्ड एग्जाम्स में 98% आए हैं, इसका मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगी। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। 10th क्लास के आए नतीजों में एक बार फिर कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के बच्चों ने धमाल कर दिखाया है। मिसकंसेप्शन है लोगों का कि कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में बोर्ड की पढ़ाई नहीं होती है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें। यदि बोर्ड की प्रॉपर फोकस नहीं की जाती तो ये बच्चे इतने अच्छे मार्क्स क्यों कैसे लाते हैं। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो दो दिन पहले 10th क्लास का रिजल्ट आया है और उसी दौरान उधमपुर के कॉम्पिटेटिव क्रैकर्स ने के बच्चों ने एक बार फिर धमाल मचाया है। पहले भी कुछ रिजल्ट आए हैं, आपने देखा है, और तब भी इन बच्चों द्वारा, इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा बढ़िया रहता है और इस बार भी बढ़िया रहा है। और अब जब 10th का रिजल्ट आया है तो फिर एक बार कमाल करके दिखाया है उधमपुर के कॉम्पिटेटिव क्रैकर्स ने। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से आज इन बच्चों को इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित किया गया, फूल मालाएं व मिठाई खिलाकर इनका हौसला बढ़ाया गया और उसी के साथ क्या क्या कहा बच्चों ने और क्या कहते हैं इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनीष सिंह। तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। संजय मेरे बोर्ड जेके बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम्स में 92.2% आई है। मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने पहले तो अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ और फिर अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मेरा पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया। भविष्य में क्या बनना है? डॉक्टर। और मेरे 10th के जेके बोर्ड एग्जाम्स में 98% आए हैं, इसका मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगी जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में हेल्प की है। थैंक यू। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। रिंकू है और मेरे इस बार जेके बोर्ड में 95.6% आई है। तो इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं, इतने बड़े मार्क्स आए? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और तो इसका जो आपके मार्क्स आए इतने बड़े, इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और अपने टीचर्स को और अपने आप को भी। और क्या सोचा है कि भविष्य में क्या बनना है आपने? मैं एक अच्छी इंजीनियर बनना चाहती हूँ। जेके बोर्ड में 92% आई है और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और कुछ दोस्तों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुश्किल समय में मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा। और क्या बनना चाहते हैं? और मैं एक नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम आकर्षण गुप्ता है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 93.6% आए हैं। मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, वो सारे डाउट्स भी क्लियर करते थे। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। सिंगर। मैं 10वीं क्लास में मेरे 95% नंबर आए हैं और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को देना चाहता हूँ, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं हमारे। आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर किसका स्टूडेंट हूँ और मेरे 10th क्लास में 96% मैंने स्कोर किया और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं आगे जाके भविष्य में? आगे जाके मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम में आगे बढ़ूँ।
बच्चों की मेहनत, टीचर का मेहनत और आप लोग की दुआएं जिसकी वजह से बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्म किए, मेरे यहाँ हाईएस्ट परसेंटेज तो गया 98.6%। आज वो बच्चा प्रेजेंट नहीं है और बच्चे वेकेशंस में गए हुए हैं, लेकिन ये क्या मिसकंसेप्शन है लोगों का कि कम्पिटिटिव क्रैकर्स में बोर्ड की पढ़ाई नहीं होती है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें। यदि बोर्ड की प्रॉपर फोकस नहीं की जाती तो ये बच्चे इतने अच्छे मार्क्स क्यों कैसे लाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे बच्चे जो आपने देखा कि बोर्ड में परफॉर्म करेंगे, आप जो है 2 साल के बाद डेफिनेटली आएंगे। आप देखिएगा कि कवर करने के लिए सारे बच्चे जो है नीट और IIT भी क्वालिफाई किए हैं, और आप देखिएगा ऐसा होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि कंसेप्चुअल स्टडी है बच्चों की, ये कोई याद करके मार्क्स नहीं लाया हुआ है, कंसेप्चुअली बच्चे सारे स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं और बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्क्स के लिए, केवल बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आगे का फ्यूचर डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वर्कआउट कीजिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। बोर्ड का परसेंटेज लेकर कुछ होने वाला नहीं है आज के डेट में, क्योंकि सभी जगह कम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्रैक करके ही आपको एडमिशन मिलने वाला है।